अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रोशे विद शाहीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ्रेंड्स, आज ये बहुत ही खूबसूरत सा राउंड टेबल रनर थालपोश मैं लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है और फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में ही इसे बड़ा बनाने का मेथड भी बताया हुआ है कि अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको इजीली ये मेथड समझ आ जाएगा कि इसे हम इससे बड़ा कैसे बना सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको मेयर करके दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए 12.5 इंच पे बन के रेडी हुआ है, जो कि तकरीबन 32 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप इसी ईजीली इससे बड़ा थालपोश भी बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम 3-ply वूल यूज़ कर रहे हैं और क्रोशिया हुक हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2.0 mm। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नोट बांध लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस यार्न को ऐसे सर्कल की सूरत में लाएंगे। अब ये जो यहाँ से हम ऊपर लाए हैं, इस हिस्से को इस यार्न पे रखेंगे और यहाँ से हम इसको आउट करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स चेन्स लेंगे। सिक्स चेन्स लेने के बाद फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच लगा के अटैच करेंगे। 1, 2, 3 चेन्स लेंगे और इन 3 चेन्स को एज अ डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए फ्रेंड्स, 16 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी, 1, 2, 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। 1, 2, 3 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे और इसी स्पेस में डबल क्रोशिया ले लेंगे। अब हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं। अब ये जो 7 वाला डबल क्रोशिया है, इस पर भी हमने 2 times डबल क्रोशिया लेने हैं। 1, ये देखिए, नेक्स्ट इसी में ही हम एक और डबल क्रोशिया ले लेंगे। उसके बाद इस स्टिच में भी हम 2 times डबल क्रोशिया लेंगे। 1, 2 देखिए, तमाम स्टिचेस में 2 times डबल क्रोशिया लेते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। सेंटर में हमने 16 यानी 16 डबल क्रोशिया लिए थे। यहाँ पर हर स्टिच में हमने 2-2 बार यानी 2-2 बार डबल क्रोशिया लिया है, तो ये हमारे पास 32 यानी 32 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुए हैं। अब देखिए, अगेन हमने ये 3 चेन्स जो ली थी, 1
टू थ्री, इसकी थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करेंगे। यहाँ पर हम वन टू थ्री, थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे। ये वन डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके इस हिस्से में हम अगेन डबल क्रोशिया लेंगे, ये टू डबल क्रोशिया हो गए। और यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, ये थ्री डबल क्रोशिया हो गए। देखिए वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया लेने के बाद वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद इस डबल क्रोशिया के इस स्टिच को स्किप करते हुए सेकंड में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। वन नेक्स्ट स्टिच में, टू नेक्स्ट स्टिच में, थ्री, ये देखिए फिर से हम यहाँ पर वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके इस स्टिच को हमने स्किप करना है। सेकंड वाले में हमने वन टू एंड थ्री, थ्री टाइम डबल क्रोशिया ले लेना। देखिए फ्रेंड्स, इस राउंड को हमने ऐसे ही कंप्लीट करना है। तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, स्किप वन, तीन डबल क्रोशिया, तीन चेन, स्किप वन, तीन डबल क्रोशिया, और इसी तरह हम अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है थ्री चेन्स लेने के बाद अगेन हम ये जो हमने थ्री चेन्स ली हुई हैं वन टू थ्री, इसकी जो टॉप वाली चेन है इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा के इसे अटैच करना है। अब यहाँ से हम अपने लीफ को यानी पत्ते को बढ़ाएंगे, वन टू थ्री, तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो फर्स्ट हमारे पास डबल क्रोशिया है इसमें हमने वन डबल क्रोशिया और ले लेना है। अब ये हमारे पास टू यानी दो डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं। अब ये जो सेंटर वाला हमारे पास डबल क्रोशिया है इसमें हमने ओनली वन यानी एक बार डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद ये देखिए, अब ये जो लास्ट है थर्ड स्टिच हमारे पास है, इस डबल क्रोशिया में हमने फिर से टू बार डबल क्रोशिया लेनी है, वन टू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारे पास वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया थे, और यहाँ पर ये बढ़ के वन हमने यहाँ से बढ़ाया है, वन यहाँ से, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डबल क्रोशिया यहाँ पर बन गए हैं। अब हम फिर से वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद अब ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इस पे हमने ट्वाइस टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है, वन। अब देखिए इसी में ही हम एक बार और डबल क्रोशिया ले लेंगे, ये हो गया टू, ये देखिए। अब फिर से ये जो सेंटर वाला हमारे पास डबल क्रोशिया है इसमें हम ओनली वन बार यानी एक टाइम हम यहाँ पर डबल क्रोशिया लेंगे। और ये जो थर्ड हमारे पास डबल क्रोशिया है इसमें हम टू टाइम, ये देखिए वन टू। अब ये फिर से हमारे पास फाइव यानी पांच डबल क्रोशिया बन के आ गए हैं, वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लेंगे और एक एक साइड पे और डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। ये देखिए इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने फिर से थ्री टाइम सिंगल चेन्स ले ली हैं, और ये जो हमारे पास थ्री चेन्स हैं फर्स्ट में हमने ली थी वन टू थ्री, इसकी जो थर्ड हमारे पास चेन है टॉप वाली इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा देना है, वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। और ये फर्स्ट जो हमारे पास थ्री चेन वाला स्टिच है इसी में हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ा देना है। नेक्स्ट हम इस स्टिच में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में वन डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में वन डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर फिर से हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है तो हम यहाँ पर दो डबल क्रोशिया यानी टू डबल क्रोशिया ले लेंगे, वन, सेम स्टिच में एक बार फिर डबल क्रोशिया ले लेंगे।
वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद इस स्टिच में टू टाइम यानी दो बार हम डबल क्रोशिया ले लेंगे, वन टू। अब फिर से सेंटर में जितने भी हमारे पास डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है, अब लास्ट वाले स्टिच में हम टू टाइम यानी दो बार एक ही स्टिच में हम डबल क्रोशिया लेंगे। देखिए इसी में एक बार फिर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे, वन टू थ्री, तीन चेन्स लेंगे और यहाँ पर फिर से हमने इसी तरह डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपल मेथड है इस डिज़ाइन को बनाने का। हम हर स्टिच में देखिए, पहले हमने वन टू थ्री तीन चेन्स ली, वन टू थ्री फोर फाइव, एक चेन यहाँ से बढ़ी, एक यहाँ से पाँच हो गई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एक चेन यहाँ से बढ़ी, एक यहाँ से बढ़ी, सात चेन हो गई। देखिए फ्रेंड्स, ये आपने जितना भी बड़ा ये थालपोश बनाना है सिंपल इसी मेथड से, एक आप डबल क्रोशिया यहाँ से बढ़ाएंगे, एक यहाँ से बढ़ाएंगे, सेंटर वाले में वन वन ही डबल क्रोशिया लेते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितना बड़ा ये थालपोश बनाना हो आप इस पत्ते को उतना ही बड़ा बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग का मेथड बताऊंगी कि इसकी कटिंग हमने किस तरह करनी है। ओके फ्रेंड्स, देखिए मैं यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, ये जस्ट फाइव राउंड्स ले चुकी हूँ क्योंकि मैंने आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाना है। लेकिन अगर आपने इससे बड़ा थालपोश बनाना हो, ये देखिए ये एंड में हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, यानी ग्यारह डबल क्रोशिया बन के आए हैं। आप चाहें तो इन्हें मज़ीद बढ़ा सकते हैं, मतलब तेरह ले सकते हैं, पंद्रह ले सकते हैं, सेवनटीन, सत्रह, इस तरह करके आप इसको जितना भी बड़ा बनाना चाहें इन पत्तों को बढ़ाते जाएंगे तो आपका थालपोश बड़ा होता जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हमारे पास जो थ्री चेन ली हुई हैं हमने, इनमें हमने फर्स्ट चेन में ही हम इसे स्लिप स्टिच लगा के अटैच करेंगे। अब ये देखिए, ये हमने इस थ्री चेन्स को स्किप करना है, तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास डबल क्रोशिया है इसमें हमने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर हम वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। देखिए यहाँ पर वन वन हम बढ़ाते थे, यहाँ पर वन हमने कम कर दिया है, तो ये वन हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में भी हम डबल क्रोशिया लेंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, यानी नौ बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लिया। नौ डबल क्रोशिया लेने के बाद देखिए, ये लास्ट में हमारे पास एक डबल क्रोशिया बच गया है, इसको हमने स्किप करना है। यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर फाइव, पांच हमने यहाँ पर चेन्स ली हैं। पांच चेन लेने के बाद ये देखिए, इस हिस्से में हम सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन्स लेंगे। पांच चेन्स लेने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है, सेकंड डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है नाइन टाइम। फिर हम यहाँ से वन डबल क्रोशिया स्किप करके सेम यही प्रोसेस करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है, और इसी तरह हम अपने इस पूरे राउंड को कम्प्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब एंड में मैंने फिर से फाइव चेन्स ले ली हैं। फाइव चेन्स लेने के बाद अब ये देखिए, जो हमने थ्री चेन्स ली हुई हैं इसकी ये जो टॉप वाली चेन है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लगाएंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने इस इन थ्री चेन्स को स्किप करना है, ये जो डबल क्रोशिया है, अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम स्लिप स्टिच लगाएंगे, थ्री चेन्स लेंगे, वन टू थ्री। अब यहाँ से ये वन डबल क्रोशिया स्किप हो गया, यहाँ पर ये वन डबल क्रोशिया बन गया, वन टू थ्री फोर
फाइव सिक्स सेवन, सेवन टाइम हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया ले लेना है। ये देखिए सेवन डबल क्रोशिया लेने के बाद वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन्स लेनी है। पांच चेन्स लेने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से हमने पांच चेन्स लेनी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेके इसे अटैच करना है, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच चेन्स लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया स्किप करना है और इस डबल क्रोशिया में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तमाम स्टिचेस में हम वन वन टाइम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से यहाँ पर हम वन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और सेम यही प्रोसेस करेंगे जो हमने यहाँ पर किया है, यानी पांच चेन सिंगल क्रोशिया, पांच चेन सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स जिस मेथड से हमने अपने इस पत्ते को बढ़ाया था, एक यहाँ से और एक यहाँ से, सेम उसी मेथड से हम अपने इस पत्ते को, इस लीव को कम करेंगे, इंक्रीज करेंगे, यानी वन यहाँ से हम कम करेंगे, वन डबल क्रोशिया यहाँ से कम करेंगे। और ये सेंटर में यहाँ पर हमने थ्री थ्री चेन का स्पेस लिया हुआ है, यहाँ पर हमने फाइव फाइव यानी पांच पांच चेन का स्पेस लिया है। पहले देखिए हमने ये टू टाइम किया, फिर ये थ्री टाइम हो गया, फिर हम यहाँ पर वन टाइम यहाँ अटैच करेंगे, फिर यहाँ अटैच करेंगे, फिर यहाँ अटैच करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये उस वक्त तक हम इसी तरह बनाते रहेंगे जब तक ऊपर पत्ते में हमारे पास इस तरह के थ्री डबल क्रोशिया बच के आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ओके फ्रेंड्स देखिए ये कुछ इस तरह बना है। अब ये हमारे पास यहाँ पर ऊपर थ्री डबल क्रोशिया हैं तमाम पत्तों के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, यानी पांच स्पेस जो है वो बन गए हैं। अब ये फर्स्ट ही जो हम थ्री चेन वाली जो हमारी स्टिच थी उसकी टॉप चेन पे हमने इसे अटैच कर लिया है, स्लिप स्टिच लगा लिया है, थ्री चेन्स ले लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद डबल क्रोशिया ले लेना है हमने। नेक्स्ट स्टिच में भी डबल क्रोशिया, देखिए यहाँ पर थ्री डबल क्रोशिया थे और यहाँ पर भी हमने थ्री डबल क्रोशिया लिए हैं। अब ये जो हमारे पास स्पेस है फाइव चेन जहाँ पर हमने ली थी वहाँ पर वन टू थ्री, तीन बार हमने डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद देखिए इस फाइव चेन में भी हमने तीन बार डबल क्रोशिया लेना है, वन टू थ्री, नेक्स्ट स्पेस में भी थ्री डबल क्रोशिया लेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कुछ समझ ना आए आप तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तमाम स्टिचेस में जितने भी हमारे पास स्पेस थे तमाम स्पेसेस में हमने तीन तीन बार यानी थ्री थ्री बार हमने थ्री थ्री टाइम ये देखिए डबल क्रोशिया ले लिया है। उसके बाद अब ये जो हमारे पास डबल क्रोशिया हैं इन पर हमने थ्री टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है। देखिए वन टू थ्री, देखिए फ्रेंड्स इसी तरह बनाते हुए हमने अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है। सिर्फ इस राउंड को नहीं, हमने इसके ऊपर दो राउंड और यानी एक दो तीन थ्री राउंड्स हमने बनाने हैं। एक ये हम बना रहे हैं, दो और बनाएंगे सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट राउंड में हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट राउंड में भी हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स ये देखिए हम इसे कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही क्यूट लग रहा है। अब हम ये देखिए यहाँ पर मैं इसे अटैच कर चुकी हूँ। अटैच करने के बाद अब हमने वन टू थ्री, थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे और इस डबल क्रोशिया पर भी हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए वन टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया ले लिए। थ्री डबल क्रोशिया लेने के बाद वन
टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। थ्री चेन्स लेने के बाद अब हमने ये डबल क्रोशिया स्किप करना है, ये डबल क्रोशिया भी स्किप करना है। दो डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद थर्ड में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है, वन टू थ्री, तीन डबल क्रोशिया लेने के बाद वन टू थ्री, थ्री चेन्स लेंगे। फिर से हमने ये देखिए वन टू, टू डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। थर्ड में हमने फिर से तीन बार डबल क्रोशिया ले लेना। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हम अपना ये राउंड भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ऐसे टर्न हुआ हुआ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो फिर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। देखिए बहुत बहुत क्यूट लग रहा है। अब हमने यहाँ पर इसे अगेन अटैच कर लिया हुआ है, ये देखिए। अटैच करने के बाद ये देखिए यहाँ से हम इस स्पेस में, इस स्टिच में आएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। नेक्स्ट हम इस स्टिच में भी स्लिप स्टिच लगाएंगे। अब हमने ये जो स्पेस लिया था टू चेन्स का, यहाँ पर आ जाएंगे, सॉरी थ्री चेन का। अब यहाँ पर हम वन टू थ्री, थ्री चेन एज अ डबल क्रोशिया लेंगे। ये वन डबल क्रोशिया हो गया, टू थ्री, थ्री डबल क्रोशिया लेने के बाद वन टू, टू चेन्स लेंगे। टू चेन्स लेने के बाद फिर से इसी स्पेस में थ्री टाइम डबल क्रोशिया ले लेंगे, वन टू थ्री। ये देखिए, उसके बाद फिर से हमने इस स्पेस में डबल क्रोशिया लेना है, वन टू थ्री, वन टू, टू चेन्स लेंगे और सेम स्पेस में फिर से थ्री टाइम डबल क्रोशिया ले लेंगे, वन टू थ्री। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड हमने इसी तरह तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, फिर तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, तीन डबल क्रोशिया, इसी तरह बनाते हुए हम अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया है। अब हम इसका लास्ट राउंड करेंगे यहाँ से। ये जो थ्री चेन हमने ली थी, वन टू थ्री, इनकी टॉप वाली जो चेन है उसमें हम इसे अटैच करेंगे। वन चेन लेंगे, वन चेन लेने के बाद इस लूप को हम आउट करेंगे और देखिए ये जो स्पेस है इसमें से हम इसे इस तरह आउट करके लाएंगे। वन चेन लेंगे, वन चेन लेने के बाद इसी स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब यहाँ से ये देखिए, ये जो दो चेन यानी टू चेन्स हमने ली थी, इनमें हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आप यहाँ पर एट या नाइन डबल क्रोशिया भी ले सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने स्पेस बनाया हुआ है इसमें इसे अटैच करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह बनेगा। अब हमने फिर से यहाँ से इस स्पेस में टेन टाइम डबल क्रोशिया ले लेना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन।
10 यानी 10 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। अब यहाँ पर हम अटैच कर देंगे, देखिए ये इसका बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। बना के मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि बन के ये कैसा दिखता है। जी तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है इस खूबसूरत से थाल पोश की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये बनाया हुआ थाल पोश आपको पसंद भी आया होगा और मेरा मेथड भी आपको समझ आया होगा। तो जाते जाते जल्दी से मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।